और अब आपको असम का हाल भी दिखाएंगे, जहां माजुली के 85 गांव अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और इनमें से 50 गांव ऐसे हैं जो कि माजुली के मुख्य हिस्सों से कटे हुए हैं, क्योंकि इस हिस्से को जोड़ने वाला रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी की चपेट में आ चुका है। वहां का ताजा जो हाल है, जो हालात वहां के हैं, वो मेरे सहयोगी रविकांत दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। एबीपी न्यूज की टीम माजुली पहुंची है। असम के सिलचर से लेकर के दीमा हसाओ होते हुए नौगांव में रिपोर्ट तैयार करते हुए और जोरहट से होकर के अब हम पहुंचे हैं माजुली। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा इस मामले में कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। इस समय बहुत अरसे बाद, लंबे सालों बाद यहाँ पर बाढ़ आई है और 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहां असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है, हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन बावजूद एसडीआरएफ के दो बोट में तमाम जो जवान हैं उनके भरोसे हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और हमारे साथ एसडीआरएफ के जवान ही नहीं बल्कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी हैं और किस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है इस ऑपरेशन को वो हम बताएंगे। यहाँ पे माजुली जो नदी द्वीप है उसमें आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग सहायता कर रहे हैं लोगों की। हम लोग, मेरा जो कर्मी हो एसडीआरएफ एंड फायर 28 कर्मी है, मेरा गोरमूर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन में तकरीबन 11 महीने हम लोग ड्रोनिंग कैच भी किया है, उसमें 3 आदमी का जान चले गया, लेकिन ड्रोनिंग कैच में हम लोग जिंदा जिंदा बसाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 आदमी चले गया क्या 9 तारीख को जून का और एक 20 तारीख को और एक 27 तारीख को, फिर उसका बाद हम लोग का 29 तारीख से 7 जुलाई तक हम लोग का फ्लड ऑपरेशन में पूरा भेजी रहा है। एक दिन लोकल एमएलए भुवन गांव भी ऐसा बोटबोटी फेरी में फंस गया रहा, हम लोग का जवानों ने एसडीआरएफ एंड फायर पर्सनल ने उसको इमीडिएटली बोट लेके उस लोग को बसा लिया। उसका साथ में डीडीएमए का 2 लड़कियां भी रहा और रिपोर्टर टीम भी रहा उसके पास, वो लोग को हम मेरा जवान लोग पूरा जिंदा बसा लिया। तो इस तरीके से 3 लोगों की जान बचाई है इनकी टीम ने, जो इनकी खास टीम है उन्होंने माजुली के 3 लोगों की जान बचाई और तमाम अन्य लोगों को रेस्क्यू किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।